सो गाइस, हमारा इन्वर्टर जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। का जो ये मशीन है यहाँ पे चार्ज वाला, जो हमेशा लाइन रहने से वो रेड दिखाता है बीच बीच में, और पी पी सायरन और आवाज़ करता है। तो देखते हैं इसको ले जाएंगे। फिलहाल रामू चाचा को बुला लिए हैं, टोटो में ले जाएंगे। रामू चाचा को बुलाए हैं मशीन ले जाने के लिए। और इसको देखिए, रामू चाचा बोलती है जबकि रामू नानू है तेरा। कल बाजार से खरीद लिया है स्टील बर्तन छोटा छोटा खेलने के लिए। चाय पियो। चलिए अब सीधा कहाँ ले जाएंगे? बड़ौदा बैंक के सामने। बड़ौदा बैंक के सामने वाला है। चलिए ठीक है। देखिए सीढ़ी भी डाल लिए हैं, पुराना घर में पोछाड़ा होगा। गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने जो इलेक्ट्रिकल दुकान है वहीं जाएंगे देने के लिए। इसी गली के अंदर में जाना है। दे दीजिए। क्या हो रहा है? चलिए, इन्वर्टर दे दिया है और तार थोड़ा सा जला हुआ है पॉइंट पे, है ना। एक घंटा बाद दे देंगे। कुछ स्विच बोर्ड हमारा ख़राब है, उसमें से कुछ स्विच ले लेंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक दुकान जाएंगे चाचा? मोदी। क्या गोल्ड है ये वाला कंपनी? तो यहाँ पे होगा, यही माल है, पटेल लग जाएगा। हाँ, गोल्ड मेडल। एक बार देखने की जान पसंद यार में लगा दिया स्विच। गोल्ड मेडल को चलाने वाला नहीं लगा, नाम कमाने के लिए। क्या बात है, 500 लग गया भाई। तो गाइस, 5 सामान लिए हैं और 500 रुपया लग गया। बहुत ही महंगा है स्विच सब है ये। चलिए, थोड़ा मेडिकल भी जाना है। तो गाइस, बिहार मेडिकल से दवाई भी ले लिए हैं। दवाई तो नहीं दिया बल्कि पाउडर दिया है। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं टिंकू भैया के दुकान में कलर और पोछाड़ा चूना वगैरह लेने के लिए, जो कि माहौल साई में है। चलिए, डिस्काउंट लगाइए। पेंट वगैरह भी हम लोग ले लिए हैं। तो सस्ता पड़ा ना चाचा? सस्ता पड़ा ना? हाँ, डिस्टेम्पर लिया। पिछली बार कलर में ही बहुत सारा पैसा इनका खर्चा हो गया था कलर में, लेकिन डिस्टेम्पर भी दिला दिए इनको, बढ़िया, मतलब चीप एंड बेस्ट। और ज़रूरत पड़ेगा तो थोड़ा सा और ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपना ही दुकान टाइप का है, भैया से बहुत पुराना जान पहचान है। तो आप लोग भी जा करके वहाँ पे, पूरा चावसा में सबसे सस्ता हमको यही दुकान लगता है, खासकर पेंट के मामले में। तो जा रहे हैं हम घर, बाद में फिर निकलेंगे जब मशीन बन जाएगा। तो ब्लॉग को अंत तक जरूर देखें। तो गाइस, मेन स्विच लाइन काट चुके हैं, ताकि हमारा स्विच जो है यहाँ पर लगा सके। यहाँ खोल कर रखे हैं। अरे, पूरा अंधेरा दिख रहा है। तो ये देखिए, पूरा खोल कर रख चुके हैं। अभी शाम ही हो रहा है लेकिन पूरा अंधेरा लग रहा है। ये रहा, देखिए हमारा मशीन आ गया है, इन्वर्टर वाला। 430 रुपया लग गया, बहुत कुछ जल गया था। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़, हमको कुछ पता नहीं है इसलिए खोल के भी आपको दिखा नहीं सकते। 430 रुपया लग गया। रामू चाचा लेके आए हैं और परी यहाँ पर लटक गई है ना। सो गाइस, एक घंटा हो गया लेकिन हम लोग स्विच बोर्ड का एक स्विच निकालने नहीं पा रहे हैं। नया टाइप का है, गोल्ड मेडल कंपनी का है, लेकिन स्विच निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। देखिए, फाइनली जो है निकाल दिया स्विच को। काफ़ी मुश्किल से ये स्विच निकला, आइडिया देखना पड़ा यूट्यूब में ही। अब देखिए, रेगुलेटर यहाँ से जल चुका है। अब होता क्या था कि इसमें कि चारों जो गियर है फैन का, एक ही चलता था। एक में लगाए, दो में लगाए, तीन में लगाइए, चार में लगाइए, स्पीड सेम आ रहा था, और दो में तो चलता ही नहीं था, इसलिए चेंज करना पड़ा है। अब पारी है असली खिलाड़ी की, यानी कि मशीन की। अब देखते हैं, बैटरी में दोनों मैटेज करेंगे, पावर लाइन मेन लाइन ऑन करेंगे और फिर वहाँ का स्विच ऑन करेंगे, तब पता चलेगा काम कैसा हुआ है।
तो गाइस दोनों लाइन को लगा दिए हैं, अब इसको कवर कर देंगे, फिर स्विच ऑन करेंगे लगा के मेन स्विच में। इट्स ए टाइम टू प्ले। जल गया है, यहाँ पे ऑन करना होगा ना। कर दे ऑन। ये देखिए गाइस, आवाज भी आ रहा है और ये ब्लिंक कर रहा है। ये पहले रेड दिख रहा था, यानी कि अब जो है हमारा बैटरी इसको लेते हैं चार्ज ले रहा है। मिशन सक्सेसफुल। अब जो स्विच चेंज किए हैं उसको भी देख लेते हैं, प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। चलिए अब रेगुलेटर भी देख लेते हैं, काम कर रहा है कि नहीं सही से। जल गया। एक में ऐसा चलेगा, दो में दे दो। हाँ बस दो में ऐसा सब अब सही है सब। अब हाई देखते के बार हाई में ऐसा में एक नंबर। सो गाइस कल जो है ब्लॉग को एंड नहीं करने सके क्योंकि बहुत सारा काम था घर पे, और इसी तरह से आप लोगों के घर में भी काम रहता होगा। तो चलिए आशा करते हैं ब्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर चैनल पर पहली बार है तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन जरूर दाबिए, शेयर और लाइक भी जरूर करें। तो चलिए मिलते फिर अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।